दोस्तों आज मैं आपको अशोक के वृक्ष की महिमा बता रहा हूँ। कहते हैं कि जिस जगह पे या आसपास कहीं भी अशोक का पेड़ लगा हुआ हो वहां पर किसी तरह का शोक नहीं होता है, अशांति नहीं रहती है। यही वजह है कि हर मांगलिक काम के अंदर, धार्मिक काम के अंदर अशोक के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे वो दशक जो रेगुलर बिजनेस के अंदर लॉसेस गेन कर रहे हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, बिजनेस बंद होने की कगार के ऊपर खड़ा हो, उनके लिए आज मैं बहुत अच्छा उपाय लेके आया हूं। करना क्या है आपको, अशोक के वृक्ष के बीज आते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, पेड़ के वहीं मिलेंगे। इकट्ठा करके उनको स्वच्छ साफ करके धूप और अगरबत्ती दिखाइए, आंखें बंद करके अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति देने की प्रार्थना कीजिए। उसके पश्चात में उन बीजों में से एक बीज को किसी एक ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लीजिए। शेष बीजों को जहां फाइनेंशियल आपकी पोजीशन जैसे तिजोरी वगैरह जो होती है वहां पर रख दीजिए। ये उपाय शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को कीजिए। आप करके देखिए, अशोक की महिमा से आपका फाइनेंशियल स्टेटस वापस मजबूत हो जाएगा, बंद पड़ा बिजनेस, बंद होने वाला बिजनेस दौड़ने लगेगा। वहीं किसी भी शुभ मुहूर्त में अशोक के पेड़ की जड़ को सबसे पहले तो उसको निमंत्रण देना पड़ता, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ती है, ऐसे नहीं सीधे गए और जड़ खोद के निकाल लिए। उनको आमंत्रित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। तो अशोक के पेड़ की जड़ निमंत्रण देके निकाल कर लाए, जब लाए तब आप मौन व्रत पे रहे, घर में लाकर उसे गंगा जल से शुद्ध करके तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखे। निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले और जड़ रखने के पश्चात में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में देर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। अशोक के वृक्ष के फल भी आते हैं, उन फलों को मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अर्पण करने से हमारे वो दशक जो मंगल ग्रह से पीड़ित थे उस पीड़ा से उनको मुक्ति मिल जाती है। वहीं यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, परिवार के लोग, माता पिता सब बहुत चिंतित हो, परेशान हो, उनके लिए भी एक उपाय है, अशोक के वृक्ष की जड़ तथा उसके पत्ते कन्या के स्नान करने वाले जल में डाल दीजिए। उसके पश्चात उस जल से कन्या स्नान करे। ध्यान रखें कि पत्ते और जड़ जल से बाहर न गिरे। 40 दिन यह उपाय कीजिए, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। वहीं यदि घर की महिलाएं, स्त्रियां अशोक के पेड़ के जड़ पे रोज जल का अर्ध प्रदान करें तो उनकी तमाम इच्छाएं पूरी हो सकती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। हर शुक्रवार को अशोक के वृक्ष के नीचे देशी घी का दीपक जलाना, कपूर की टिकिया जलाने से लाइफ के अंदर नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करती है। जिस घर के लोग रोजाना अशोक के पेड़ के नीचे जड़ों में जल अर्पण करते हैं, दीपक जलाते हैं, उस घर में उस परिवार के सदस्यों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा घर रोग, शोक, अशांति जैसे परेशानियों से हमेशा बचा रहता है। और विशेष तौर पे अशोक का पेड़ घर में उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है और घर में अशोक का पेड़ होने से सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो सरल से उपाय अपनाकर आप पा सकते हैं अपने जीवन में चैन और सुख। तो दर्शकों